तो जी ईद के दिन का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट नाइट कितनी बारिश हुई, तो उसके बाद ये सारा हसीन मंजर और हसीन मौसम है। फॉर फ्लैशबैक ऑफ लास्ट नाइट कम टू माय इंस्टा आईडी। पिक्चर से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि अब कुर्बानी हो चुकी है। तो ये क्यूट लिटिल चैम्प हमें ईद मुबारक कहने के लिए आ चुकी है। माशाल्लाह जी, अब जैसा कि कुर्बानी हो चुकी है, सफाइयों में बिजी है। तकरीबन 12:30 का टाइम है। अब जाके कहीं फ्री हो के नहा के और फिर तैयार होते हैं, देन जाते हैं चाची की तरफ। चाची ने दावत दी है, बुलाया, तो ये फिलअप हो जाए तो मैं नीचे जाऊंगी, रेडी होंगी और फिर हम मिलते हैं दोबारा। हल्की बारिश के बाद कमरे ऐसे पानी से खुद ब खुद भरे पड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ लड़कियों, कौन कौन सी लड़की है जो गोश्त में बिल्कुल हाथ नहीं लगाती ईद वाले दिन? ये देखें, मैंने तो सारी सफाई हाथों से की है, सारे साफ़, और अब ये चादर ये भिगो के, ये अब होगी तो साफ मशीन में, लेकिन फ़िलहाल इसको अच्छी तरह, जिसे कहते हैं ना खंगाल के, वो वाला काम तो करना है। तो कौन सी लड़की ऐसी है जो गोश्त को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती? कमेंट डाउन बिलो बताएँ कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ईद पे भी चिकन वाला सिस्टम ही है जिनके पास। और मामा का वो सेम वाला ड्रेस जिसकी मैंने पिछले व्लॉग में बात की है, तो आज हम लोग ये वाले पहनेंगे। ये मामा का है वैसे, मेरा दूसरा नीचे। तो लेट्स गो टूर रेडी गाइस। ये हमारी जूते है, एक पाँव मैंने पहना है, एक पाँव और रीपा मलिक ने पहना है, और ये भी देख लें। अब कैसे आपने करना है, वाइट किसकी है, येलो किसकी है, कमेंट डाउन में बताएं। इंस्टाग्राम पिक्चर्स बना रहे हैं जिसके लिए हम ये पौधों पर चढ़ के रहा फूल तोड़ना चाह रहे, तुम तोड़ो, बट तोड़ा ही नहीं जा रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप ना टूटते हैं, रहने दो। सो आपको थैंक यू सो मच हुरैन शायद फॉर स्ट्रगलिंग। उतार के दो इस तरह की और तीन चार। आप ही मुझे आते हैं उतारने, जिसको भी आते हैं वो तो आ दे बस। ना मैं उतार इस तरह की ना, आ गई छुरी, ये देखना उतार। मैं आप लोग को दिखाऊंगी अरे बापी को, ये इंस्टाग्राम पे इनकी पिक्चर्स लाएंगी। आप लोग प्लीज़ उधर इनका लाइक करें, शेयर करें, आपकी की कमेंट करें, प्लीज़ आप इनको फॉलो भी कर दें इंस्टाग्राम पे। इनका व्लॉग बना रही हूँ मैं, एक जैसे जूते में के कबाब बन रहे हैं। ठीक है, दो मिनट नेल पेंट चेक करें। मेहंदी का कलर डल हो गया। खाने के बाद पेशे खिदमत हैं ये ढेर सारे बर्तन, इनको धोया जाएगा, फिर सोया जाएगा, फिर सुबह दूसरा दिन शुरू होगा और ईद फिर कंटिन्यू हो जाएगी। तो ईद का पहला दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छा खैर वाफियत से गुजर गया। मुमकिन तौर पे बारिश का इम्कान था, बारिश बिल्कुल नहीं हुई, सारी बारिश कल रात हो गई, मतलब 4 से 5 घंटे लगातार बारिश हुई है, और इतनी कोई हैवी किस्म की बारिश रही है ना, लेवल था। ये मैंने ये नेल आर्ट ऐसे, ये मेडोरा के दो कलर्स हैं, कलर्स नहीं मुझे याद है, स्किन है एंड मैरून है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो हैं कि कल के क्या प्लान्स हैं, तो स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं सुबह। अल्लाह गुड मॉर्निंग। ईद का दूसरा दिन मुबारक हो माओ, माओ ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। ये देखे मेरी माओ, पापा ने बनाया, मौ, मौ, मौ। ये चुड़े कौन है, ये
मियो तो जी दूसरे दिन उठते ही मैंने सबसे पहले ये कटवाई और उसके बाद फिर हमारी दावत थी तो हम वहाँ चले गए। इसे क्या कहते हैं जिस जिसको पता है ना नीचे कमेंट्स में बताए। बस इसके बाद तैयार होके बस पिक्चर्स लिए, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे आ जाएं और कुछ भी नहीं किया था। तो जी थर्ड डे पे भी ये मोहतरमा हमें सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहने के लिए आ चुकी हैं। थर्ड डे मैंने रात को वाइट कढ़ाई बनाई, लेकिन फिर मेहमान आ गए तो उनके लिए खाना हमने बाहर से मंगवाया एज़ यू कैन सी। लेकिन खाना मैंने अपनी उसी वाइट कढ़ाई से खाया और इंतहा की मज़ेदार बनी थी, बहुत अच्छी थी। इस तरह से ईद के तीनों दिन ख़त्म और वीकेंड पर हमारे घर सबकी दावत थी, तो मैंने चौथे दिन मेहंदी लगाई है, हमें दिल किया। और जिस दिन दावत थी उस दिन मैंने वैक्सीनेशन कराई और सारे काम किए, तो देयर इज़ नो फुटेज।